Hey there, Pisces, welcome to my channel Dream Tarot and this is a reading for you for the month of October. या कि month of October की reading है, मैंने पहले ही कार्ड स्प्रेड कर लिए हैं और कुछ क्योंकि मैं इंग्लिश में रीडिंग कर चुकी हूँ. सो मैं आपको बता दूँ कि ये सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड है, ये जनरल रीडिंग में मैं यूज़ कर रही हूँ और इस पर मैं आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट को, लव लाइफ, मनी, करियर एंड वट यू आर गोइंग थ्रू करंटली इन योर लाइफ, आई विल सम अप. मैं इसी रीडिंग में वो सब कुछ एक साथ बताऊंगी. सो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके कार्ड्स क्या आए हैं. आपके करंटली जो है, यू आर डीलिंग विद द फोर ऑफ पेंटिकल, इसको क्रॉस कर रहे हैं हाई प्रिस्टेस. आपके बेस में है एस ऑफ कप. आपके क्राउनिंग द रीडिंग है थ्री ऑफ सोर्स. आपके रीसेंट पास्ट में जो है वो है द फूल कार्ड. आपके करंट नियर फ्यूचर में आपकी क्वीन ऑफ वॉन है और आपके इंटरनल फोर्सेस में सेवन ऑफ पेंटिकल है. आपके एक्सटर्नल फोर्सेस में पेज ऑफ वॉन है. आपके होप्स एंड विशेस एंड फियर्स में थ्री ऑफ वॉन है और आपके आउटकम में सेवन ऑफ कप्स है. और आपके अंडरनीथ में, डेक के अंडरनीथ में आपके पास ये कार्ड्स हैं. सो द डेविल, पेज ऑफ कप, सिक्स ऑफ सोर्स, सेवन ऑफ वॉन एंड द एट ऑफ कप्स. सो ये डेविल जो है एक टॉक्सिक काइंड ऑफ एनर्जी है, एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट है. आपको लगता है कि लव ऑफर आपकी तरफ आई है जिसकी जिसके थ्रू आप इस टॉक्सिक एनर्जी से बाहर निकल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को, आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं एक मल्चुअस वाटर से टूवर्ड द स्मूथ एंड कालमर वाटर. आप एक स्मूथ पॉजिटिव लाइफ की तरफ बढ़ेंगे, बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको फिर रियलाइज़ हो रहा है कि कोई आपका पार्टनर जिन्होंने पहले आपको लव ऑफर की थी, अब वो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं और वो आपसे वॉक अवे होना चाहते हैं. सो आपको एक ऐसी फीलिंग आ रही है, या फिर आप अपने पार्टनर से वॉक अवे होना चाहते हैं, आप इस पार्टनरशिप से अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं और वॉक अवे करना चाहते हैं. सो देखते हैं कि क्या आपके अदर कार्ड क्या कहते हैं कि आपके पार्टनर जो है अपनी फीलिंग्स आपसे होल्ड किए हुए हैं, वो आपको आप के साथ ओपन अप नहीं हो रहे हैं, वो आप बातचीत नहीं कर रहे हैं. इस तरह की भी कोई सिचुएशन हो सकती है जिस वजह से आपको लगता है कि आपको इस पार्टनरशिप से वॉक अवे कर देना चाहिए. लेकिन आपके पार्टनर किस वजह से उन्होंने अपनी फीलिंग्स को होल्ड पे रखा हुआ है वो आपको नहीं पता. वो चीज़ें आपसे हिडन है. जो भी रीज़न है इसके पीछे वो आपसे हिडन है. तो ये आपके लिए एक चैलेंज है. जो चीज़ें आपके सामने नहीं हैं ये आपके लिए एक चैलेंज है इन मंथ ऑफ अक्टूबर. सो आपके बेस में क्या है, आपके बेस में ये सब कप है. आप एक न्यू बिगनिंग की शुरुआत हो रही थी. अगर मैं इसको कहूँ कि ये सितंबर से एनर्जी चलती हुई आ रही है, तो ये एक सितंबर में आपके लव लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हुई थी. लेकिन अब इन मंथ ऑफ अक्टूबर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है वो आपसे डिटैच होते जा रहे हैं और आपको इसका रीज़न नहीं पता, जो कि आपके लिए एक चैलेंज है. इन रीसेंट पास यू हैव द फूल. आप रीसेंट पास में बहुत ज़्यादा खुश हैं इस पार्टनरशिप के हवाले से. आपको लग रहा है कि आपने एक नई बिगनिंग की है अपनी लाइफ में, एक नई शुरुआत हुई है आपकी ज़िंदगी में. हो सकता है वो शादी की तरफ भी जा रही हो, लेकिन आपकी लव लाइफ में एक नई बिगनिंग हो रही थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे आप. लेकिन अब आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपसे डिटैच होते जा रहे हैं, अपनी होल्डिंग जो फीलिंग्स उनको होल्ड किया उन्होंने और आपसे कुछ छुपा भी रहे हैं, जो कि आपके लिए एक चैलेंज बना हुआ है. और ये सिचुएशन आपको एक हार्ट ब्रेक दे रही है. हो सकता है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो. आपको लग रहा है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो कि आपको हार्ट ब्रेक भी दे रही है, या फिर ये हार्ट ब्रेक जो है किसी हार्ट सर्जरी की तरफ भी इशारा कर सकता है कि आप इस हार्ट सर्जरी से बहुत ज़्यादा, किसी के हार्ट सर्जरी से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, या आपको ये उससे कोई खौफ है, या इस तरह की कोई सिचुएशन है. लेकिन ये अगर रिलेशनशिप के स्पेड में देखा जाए तो ये एक थर्ड पार्टी की सिचुएशन है. आपको लगता है आपके पार्टनर का ये बिहेवियर आपको एक डिसअपॉइंटमेंट में लेकर जा रहा है. मैंने इस हार्ट ब्रेक को क्लेरिफाई किया था तो मेरे पास आया था नाइट ऑफ सोर्स, द फूल अगेन, यू हैव फूल टू टाइम्स. इट्स हार्ट ब्रेक. ये कह रहा है कि आप जो भी नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में हुई थी, आप उसमें बहुत ज़्यादा रश कर रहे हैं. आप चाहते थे चीज़ें जल्दी हो जाएं आपकी लाइफ में, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा. और क्योंकि बहुत सी चीज़ें बिहाइंड द सीन भी काम कर रही हैं
हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, तो उस वजह से आप ये चीज़ें क्विकली मूव फॉरवर्ड नहीं हो रही हैं, और जो भी आपने न्यू बिगनिंग है वो एक रिस्क बन गया आपके लिए। और उस इस डेक शफल करने में अंडरनीथ में ये दो कार्ड आए थे, नाइन ऑफ सोर्स और फाइव ऑफ सोर्स। सो ये एक टग ऑफ वॉर की सिचुएशन है, माइंड गेम, मैनिपुलेशंस, एनजाइटी, ये चीज़ें डिलेज आपको एनजाइटी दे रही हैं। हो सकता है आपके पार्टनर का ये बिहेवियर जो भी है ये आपको एक इस थर्ड पार्टी में ले गया है, और इस बिहेवियर में थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ले गया है, और आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी हो रही है इस वजह से। आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप एंड हो गया है, एंड होने पे आ गया है। सो आपके इंटरनल फोर्सेस में है सेवन ऑफ पेंटिकल। सो आप इस इंतज़ार में थे कि जो आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करने में, नई बिगिनिंग करने में, आप उसका रिज़ल्ट आपको मिले, लेकिन रिज़ल्ट जो है वो नहीं आ रहा, डिलेज हैं उसमें अभी। तो ये डिलेज ही हैं जो आपको हार्ट ब्रेक दे रहे हैं, और कुछ हिडन चीज़ें भी हैं जो कि वो अभी किसी के सामने नहीं है, उस वजह से ये डिलेज आ रहे हैं। और आपके पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं किसी वजह से, उनके पास एक न्यूज़ है, वो एक न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ में कर रहे हैं, लेकिन वो किसी और की तरफ कर रहे हैं। जैसे कि इन दोनों के फेसेस एक दूसरे से अलग अलग हैं, इनका फेस इधर और इनका फेस इधर, तो इसका मतलब आपके पार्टनर जो है वो किसी और की तरफ देख रहे हैं, और वो किसी और चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और आप जो है वेटिंग पे हैं, वेटिंग पे अपने पार्टनर के, वो कब वो आपके लिए ओपन अप होंगे, लेकिन वो ओपन अप नहीं हो रहे। तो आपकी जो विश है कि आप अपनी जो भी आप चाह रहे हैं वो हो पूरा, आप इंतज़ार में हैं कि आपकी कब विश पूरी होगी, आपके कब ये टाइम आएगा कि आप अपने पार्टनर से के साथ जो है वो टुगेदर हो जाएं, लेकिन ऐसा आपको होता हुआ नहीं दिख रहा है। आप जो है आपका फेयर है ये कि आपके ऐसा नहीं होगा, या ये आपकी विश है कि ऐसा जल्दी हो जाए, जैसे यू आर इन अ हरी, आप जो है हरी में हैं, बहुत ज़्यादा क्विक एक्शन चाहते हैं आप, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। सो आपके आउटकम में सेवन ऑफ कप्स है, और आपके नियर फ्यूचर में है क्वीन ऑफ वॉन्ड। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड एक पर्सन है जो कि मंथ ऑफ अक्टूबर के एंड में या मिड ऑफ द मंथ आपके ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी। अब ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, या कि आपके पार्टनर या कोई और हो सकता है। सो पाइसेस ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स कोई भी हो सकती है, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन ये एक फायर साइन भी हो सकते हैं आपके अराउंड में। हम अपनी लाइफ में बहुत से रिलेशनशिप से डील कर रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम लव पार्टनर से ही सब डील कर रहे हों। सो मैंने इस किंग ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड को क्लेरिफाई किया था, मेरे पास गए थे नाइन ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड जो है आपकी लाइफ में कोई है जो कि अपनी ज़िंदगी में सेल्फ सफिशिएंट होने जा रही है, जो भी है ये पर्सन, हो सकता है आपके पार्टनर हो सकता है आपका पार्टनर आपसे सेपरेशन चाह रहे हो, और वो अपने पास्ट पर्सन से रिकनसाइल करना चाह रहे हो, उनके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो लव लाइफ में। सो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड वो पर्सन हो सकता है, पास्ट पर्सन हो सकती है आपके पार्टनर की, या ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो कि सेपरेशन चाहते हैं आपसे और अपने पास्ट पर्सन से दोबारा रिकनसाइल करना चाहते हैं। और अंडरनीथ में ही आपके दो कार्ड थे, अंडरनीथ द डेक द एम्परर एंड द किंग, क्वीन ऑफ पेंटिकल। सो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल जो भी किंग क्वीन ऑफ सो वॉन्ड जो भी हैं, ये जो है अपनी एक नई शुरुआत करना चाह रही है ज़िंदगी की, वो अपने सोलमेट कनेक्शन के साथ में भी जहाँ पे ये खुश रहना चाहते हैं, ह्यूमन फैमिली में, अपने ह्यूमन फैमिली में बच्चों के साथ वो एक नई शुरुआत करें सेल्फ सफिशिएंटली, इंडिपेंडेंटली, और वो अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में ले रही हैं, और एम्परर के तौर पे भी सामने आ रहे हैं। या फिर आपके पार्टनर इस पर्सन को
एज अ मैरिज मटेरियल देख रहे हैं और वो उनके लिए उनको बहुत परफेक्ट पार्टनर लगते हैं अपने लिए, तो आपके पार्टनर जो है इनके साथ रिकनसाइल कर रहे हैं इन मतों वक्त ऊपर में, और ये आपको रिकॉग्नाइज भी हो जाएगा, ये चीज़ आपके सामने भी आ जाएगी, जैसे कि आपके पार्टनर की तरफ से एक न्यूज़ आएगी जो कि आपको थ्रिलिंग न्यूज़ होगी वो। और ये सेवन ऑफ कप के लिए भी तीन कार्ड आए थे, तो जो भी ऑफ़र है ये आपके पास आपके पार्टनर की तरफ से, आप इस ऑफ़र के हवाले से कुछ आपके इल्म में कोई बात आएगी जिसकी वजह से आप अपना डिसीजन जो है वाइसली लेने पर मजबूर हो जाएंगे, या फिर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, या फिर आप अदर ऑप्शंस की तरफ देखना शुरू कर देंगे। सो एट ऑफ कप का कार्ड यही शो करता है कि आप जो है इस रिलेशनशिप से अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, या आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप से अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, और कोई एक पर्सन जो है इस रिलेशनशिप से मूव अवे हो जाएगा, वॉकआउट हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा इमोशनली। सो पाइसेस और मे बी दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड जो है ये जो भी आपके अराउंड में, ये एक ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रही है, अपने ये पर्सन जो भी है उन्होंने अपनी लाइफ का चार्ज उनके हाथ में आ गया है, वो एम्प्रायर है अपनी लाइफ की, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक दे रही है, एनजाइटी भी दे रही है, एक टग ऑफ वॉर काइंड ऑफ की सिचुएशन इन मंथ ऑफ अक्टूबर में होगी, और ये क्वीन ऑफ वॉन्ड जो है एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी होगी इन मंथ ऑफ अक्टूबर। सो पाइसेस दैट वॉज योर रीजनिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, होप इट्स रेजोनेट्स यू, इफ सो प्लीज़ लेट मी कन्फर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।